बिहार के जो नौजवान छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक होने पर राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी दल इस मसले को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने करोड़ों युवाओं और अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद किया है। बिहार बोर्ड का भी प्रश्न लीक होता है। हम लोगों ने कई बार सदन में भी इस मामले को उठाया है, लेकिन सरकार में बैठे लोग ध्यान नहीं देते हैं। निश्चित तौर पर बिहार के नौजवानों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो भी दोषी हैं टीम गठित कर कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को सजा देनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती फिर से न हो। दूर दराज से छात्र परीक्षा देने आए थे, ऐसे छात्रों को सरकार 5,000 रुपये अविलंब मुआवजा देने का काम करे। BPSC का नाम ही बदल देना चाहिए। हमने तो पहले भी कहा था कि बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से इसका नाम रख देना चाहिए। कल्पना कर सकते हैं जब BPSC का पेपर जब बिहार में लीक हो रहा है तो और सारे संस्थानों का क्या हाल होगा। कितने परीक्षाएं हैं, चाहे बोर्ड का परीक्षा होता है तो उसमें भी जो है पेपर लीक होता है। और पेपर लीक के बारे में तो हम लोगों ने सदन में सरकार से कई बार जो है हम लोगों ने जानकारी भी दी है, आवाज़ भी उठाया है, लेकिन फिर भी सरकार में बैठे लोग जो हैं इस पर ध्यान नहीं देते। ये साफ तौर पे देश बिहार के जो नौजवान छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम सब लोग जो भी दोषी है एक टीम गठित करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को सजा देनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। दूसरी बात, जो दूर दराज से लोग आ करके जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि BPSC का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। और कई बार आप देखते होंगे BPSC का कभी भी शेड्यूल पे ना कोई भी परीक्षा होती है तो कभी भी शेड्यूल पे नहीं रहता, बार बार रद्द कर दिया जाता है। और ये तो पेपर लीक हो गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, दुखद घटना क्या हो सकती है। यानी सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा बैठा है जो लगातार जो है इस काम को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए सरकार को हम लोगों ने पहले भी कहा है, अब भी हम लोग कह रहे हैं कि सुधर जाइए, वरना देश के नौजवान देख रहे और भुगत रहे हैं, आने वाले समय में अंजाम जो है बुरा होगा। आपको बता दें कुछ दिनों पहले तक बिहार की सरकार में मंत्री रहे मुकेश सहनी ने भी इस मसले पर तीखा बयान दिया। चिराग पासवान ने भी इसे सरकार की नाकामी बताया है। वहीं कांग्रेस की बड़ी नेता अलका लामा ने भी इस मसले पर सरकार को घेरा है।